नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो बच्चों को गोद लेने संबंधी कानून से जुड़ा हुआ है, पालन पोषण संबंधी कानून से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुके हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय एक बार फिर हम दोहराते हैं, विषय हमारा बच्चों को गोद लेने, उनके पालन पोषण संबंधी कानून से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त तो किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मेहरविश रैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मेहरविश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज हम बच्चों को गोद लेने संबंधी और उनके भरण पोषण संबंधी कानून के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं कि ये एक्ट क्या कुछ कहता है। बच्चों को गोद लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत जो नया दौ आया है उसके अंतर्गत ये है कि जिस भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं वो इंडिया का सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो, वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है। शर्त ये है कि जैसे कि पहले का हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में था कि 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर अभी तक एडॉप्शन से रिलेटेड अगर कोई बात होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर था। बाकी जितने भी लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो किसी और रिलीजन से रिलेटेड हो, क्रिश्चियन हो फॉर दैट मैटर, तो इन सब में एडॉप्शन के बारे में कहीं कुछ नहीं था। इसी को एलैबोरेट करते हुए, बड़ा करते हुए, इसकी होराइजंस को और एनलार्ज करते हुए जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एडॉप्शन के रिगार्डिंग लॉज को सबके लिए जनरल बना दिया गया है जी। एंड इसके इस वजह से अब कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। मान लीजिए किसी फैमिली में किसी माँ बाप के कोई बच्चे नहीं है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। एक आदमी जिसने शादी नहीं करी है या करने की इच्छा भी नहीं रखता है, वो अडॉप्ट कर सकता है। एक औरत जिसने शादी नहीं करी है या वो विडो हो गई है, वो अडॉप्ट कर सकती है। जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए इस कानून में, जिसके बाद कुछ और नए प्रोसेस थे जो इसमें जुड़े हैं। आपने मुस्लिम समाज का जिक्र किया, अगर मुस्लिम समाज का कोई दंपति कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसे भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी हाँ, अब उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे पहले ये हुआ करता था कि एडॉप्शन के रिगार्डिंग मुस्लिम लॉ में कहीं भी नहीं है जी। मुस्लिम लॉ सिर्फ ये कहता है कि आप एक गार्जियन बन सकते हैं एक बच्चे का, एक बच्चा जिसके माँ बाप वो खो चुका है, जिसके माँ बाप नहीं है जी। उसका जो भी नेक्स्ट रिलेटिव होगा, जो भी नेक्स्ट किन होगा, कोई फ्रेंड होगा, वो उस बच्चे की सिर्फ देख रेख कर सकते हैं। जबकि एडॉप्शन के अंतर्गत एक माँ बाप जिसने उस बच्चे को एडॉप्ट किया है उनको राइट दिया जाता है कि वो उस बच्चे को अपना नाम दे सके, अपने हिस्से में उसको अपनी फैमिली का एक हिस्सा के तौर पर उसको पब्लिकली भी पोर्ट्रे कर सके। इस्लामिक लॉ में या मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं था जी। इस्लामिक लॉ में ये है कि बच्चा जिसको, जो भी फादर उसको या जो भी पेरेंट उसको अडॉप्ट करेगा जी, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी देखरेख कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख कर सकता है, अपना नाम नहीं दे सकता जी। लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट आया इसके बाद एंड
शबनम जजमेंट के बाद जी, शबनम बानो एक जजमेंट आया था मेरे ख्याल 2011 में जी, उसके बाद ये हो गया कि किसी भी पेरेंट को, किसी मुस्लिम पेरेंट को राइट दिया गया है कि अपना नाम वो उस बच्चे को दे सके। चलिए बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा आज का विषय है वो बच्चों को गोद लेने संबंधी, उनके भरण पोषण संबंधी कानून से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित भी अगर कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है तो भी आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सीधा सवाल कर सकते हैं जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैरवी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर कोई दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है तो वो कौन कौन सी शर्तें होंगी जिन्हें उन्हें फुलफिल करना होगा? मेजरली जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि फाइनेंशियली उस बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो इररिस्पेक्टिव के वो बच्चे को क्या फ्यूचर में क्या फ्यूचर दे सकते हैं, उनका इमोशनली वो कितना स्ट्रांग उसको रख सकते हैं, पहली क्राइटेरिया रहती है कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग पर्सन है। सेकेंडली अगर वो मैरिड है, मान लीजिए एक आदमी है वो अगर मैरिड है तो उसको अपने पार्टनर की कंसेंट लेने की ज़रूरत है। अगर अनमैरिड है तो ऐसे में एज डिफरेंस एक काउंटर एक शर्त रहती है कि एज डिफरेंस रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि जो भी बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है वो अपोजिट सेक्स का होगा। मान लीजिए एक आदमी बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो वो एक लड़की को अडॉप्ट कर सकता है, बशर्त है कि उसकी शादी हो रखी हो एंड उसके फैमिली में या उसके पास अपनी कोई बेटी ना हो, तब वो अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर एक आदमी एक बेटा अडॉप्ट करना चाहता है जी, तो वो इजीली अडॉप्ट कर सकता है एक अनमैरिड। चलिए बिल्कुल, इस पर और भी बारीकी से हम चर्चा करेंगे और भी इसके तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मनीषा जी हमारे साथ हिमाचल से हैं। मनीषा जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, ये पता करना था कि मैंने ना कारा एजेंसी है जो सेंट्रलाइज, उसमें अडॉप्शन के लिए काफी वक्त एक डेढ़ साल हो गया उसमें अप्लाई किया था मेल बेबी के लिए ना, तो वहाँ से हमें कोई भी कोई मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, सिर्फ एक वो आता है कि तुम्हारा कौन सा नंबर चल रहा है। जैसे मेरा भी रिसेंटली मैंने चेक किया तो फिक्स नंबर चल रहा है, बस वहाँ से कोई भी बात नहीं करता, कोई भी कुछ बताता नहीं है कि कब तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बीच में एक डेढ़ महीना तो वो लाइन जो उसकी उनकी साइट थी वही अपडेटेड नहीं थी और इनका कोई भी तरीका नहीं है कि हम उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग भी वेट कर रहे होते हैं, डेढ़ साल हो गया इस चीज को कि जब मैंने रजिस्टर कराया था। तो मतलब इतना मुश्किल है इंडिया में, इतने बच्चे इंडिया में होते हैं कि जिनको जरूरत है। अगर इतना मैं डॉक्टर हूँ, सब कुछ मैंने लीगल तरीके से सब कुछ दे दिया अपने सर्टिफिकेट, बट हम भी फिर ओल्ड होते जाते हैं और तब तक घर में इतनी चीजें हो जाती हैं कि कई बार मतलब परिस्थितियां ही बदल जाती हैं कि जब तक बेबी को कारा से कोई बात ही नहीं करता। मनीषा जी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैरविश रैन जी हमारे साथ हैं, आपको ये उचित सलाह देंगे कि क्या वो तरीका है जिससे जो इतना विलंब होता जा रहा है उससे आपको छुटकारा मिले। मैरविश जी क्या कदम उठाने चाहिए, जैसा इनका कहना है कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इन परिस्थितियों में ये क्या करें? देखिए कारा एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है जिसका काम ही यही है कि जितनी एप्लीकेशंस आएंगी जिन पेरेंट्स की आएंगी उसको वेरीफाई करेगी, चेक करेगी कि ये इस लायक भी हैं कि क्या ये किसी बच्चे की देखभाल कर सके, उसको अपना अपना बना कर रख सकते हैं एंड इनमें इतना पेशेंस है कि उस बच्चे को ये पाल सके। अगर आपको ये लगता है कि किसी बच्चे को दुनिया में लाना बहुत इजी चीज़ है तो वो भी गलत है। एक बच्चे को दुनिया में लाने में भी 9 महीने का वक्त लगता है, आपको पूरे 9 महीने का फेज आपको पूरा कवर करना पड़ता है तब जाके आप एक पेरेंट बनते हैं। सो सिमिलरली कारा भी उसके अपने अपने स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए, मोर ओवर आप अकेले पेरेंट नहीं है जिन्होंने एडॉप्शन के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है, आपके जैसे और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी हुई हैं। इस प्रक्रिया में तकरीबन कितना वक्त लगता है, जैसा ये कह रहे हैं कि 1.5 साल का वक्त हो चुका है लेकिन कोई अब तक रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है? जी कम से कम 6 महीने लगते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चा अवेलेबल है कि नहीं है।
अकारा एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली को या पर्सन को नहीं केटर करना, उसे ऑल ओवर इंडिया केटर करना। एक पर्टिकुलर जवाब तो मिलना चाहिए। जैसा ये परेशान है कि हम कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता है। जो भी अपडेशंस होती हैं वो उनको वेबसाइट के जरिए मिलती हैं। उसके अलावा कारा के और टोल फ्री नंबर्स भी हैं जो वो अगर गूगल कर सके तो उनको वहाँ से मिल पाएंगी, या कारा की वेबसाइट से उनके ईमेल आईडीज होते हैं वहाँ उनको कॉन्टैक्ट कर लें। अगर उसके बावजूद कुछ नहीं होता है तो वो अपने किसी लॉयर के जरिए भी वहाँ पे लेटर भिजवा सकती हैं। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मनीषा जी जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुँचा होगा। और जो तरीका आपको महर्विश रैन जी ने बताया है कि आप हेल्पलाइन नंबर भी अगर सर्च कर सकते हैं उसके माध्यम से आप कांटेक्ट करने की कोशिश, वरना फिर एक आप लॉयर भी कर सकते हैं उसके माध्यम से आगे का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बलबीरी जी एक और कॉलर अलीगढ़ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार सर, सर मेरी बेटी को 8 साल हो रखा है मेरे दिमाग में और न खर्चा देता है, एक लड़की है उससे एक लड़का है, लड़का अपनी बहन के पास छोड़ रखा है उसने, लड़की मेरे पास रहती है, लड़की की लड़की मेरे पास है और मेरी लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है जो कहीं नौकरी कर ले। तो मैंने उसके खर्चे का केस डाला था और 2-3 साल एक तरह के बाद से पैसे की परेशानी की वजह से मैंने 2 साल का केस बंद पड़ा है। अब वो फाइल एक बार मैंने बात और करी थी कुछ दिन पहले जी, तो बोला था कि आप हमारे पास फाइल भेज दो, तो मैंने उसमें एड्रेस लिखा था उसमें जो कितना था एड्रेस, उसमें अगर किसी वकील के जरिए आप वहाँ पर हैं तो कोर्ट के आगे में अपनी दलील को पेश करवाएं। अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो आप लीगल एड के जरिए जा सकती हैं, लीगल एड को अप्रोच करिए, वहाँ से आपको कोई वकील मिलेगा जो कि आपको इसमें हेल्प कर पाएगा। आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी कोर्ट के आगे प्लेस्ड है तो अब ये भी नहीं आपको मैं कह सकती कि आप एक एप्लीकेशन प्लेस करें, तो बेहतर ये रहेगा कि आप लीगल एड के ज़रिए कोर्ट को अप्रोच करिए एंड वहाँ से अपनी एप्लीकेशन को प्रेस करवाइए। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं बलबीर जी जो प्रोसेस आपको अभी महर्विश जी ने बताया अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत ज़रूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। एक और दर्शक मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हैं। मूलचंद जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मैं मूलचंद सैनी बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद में छोट बोल रहे हैं जी। सर मेरा भांजा 8 मई में मेरठ से मेरे घर पे आया था गाजियाबाद जी, और वो यहाँ आके खो गया और 10 मई में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है सियानी गेट थाने में गुमशुदगी की जी। अरे आप आज तक जो है 7 महीने हो गए, हम तो ढूंढते फिर रहे लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जवाब क्या मिला पुलिस थाने से? वो कहते हैं खुद ढूंढो, हमारा काम नहीं है। महर्विश जी, कोर्ट के माध्यम से ये अपनी लड़ाई को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? आप हाई कोर्ट को अप्रोच करिए, हाई कोर्ट के जरिए आप एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगवाइए किसी वकील के जरिए, या आप पर्सनली भी जाकर एक लेटर के जरिए, एक लेटर के तौर पर एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन लग सकती है हाई कोर्ट में, जो कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के चीफ के नाम से एक लेटर बनाएंगे, बोलेंगे कि फलानी तारीख पे मेरा भांजा या भतीजा जो भी है वो खो गया था और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है आज तक और वो बच्चा अभी तक लापता है, नेसेसरी एक्शन लिया जाए। ऐसे में कोर्ट सुओ मोटो भी लेता है आपके आपके या तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली कोर्ट प्लेस करेगा, कोर्ट के आगे प्लेस करी जाएगी और इसमें एक्शन लिया जाएगा, या फिर आप हेबियस कॉर्पस पिटीशन अगर आप किसी वकील के जरिए लगाते हैं तो उसको एंटरटेन किया जाएगा और पुलिस को डायरेक्शन दी जाएगी कि उस बच्चे को ढूंढ के लाया जाए कहीं से भी। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो तरीका आपको बताया है उससे निश्चित तौर पर आपको अपनी परेशानी से निजात ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं और महर्विश जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसा इनका कहना है कि पुलिस में कई बार इन्होंने कंप्लेंट की, उसके बाद कई बार पहुँचे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला जी। इस तरह के कई केसेस भी सामने आते हैं, तो ऐसे में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन को लेकर किसी तरह की कंप्लेंट कोर्ट के माध्यम से हो सकती है? ज़रूर हो सकती है, आप क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं। क्या करना होगा इन्हें?
एक कंप्लेंट, एक कंप्लेंट सीधे सीधे उनको क्रिमिनल कोर्ट में करनी है, जीएमएफसी की कोर्ट में उनको प्लेस करना होगा, एक 156 की, कि मैंने कंप्लेंट सच इन सच डेट पे करी थी, इन कर्मचारियों के खिलाफ अब मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई करी जाए क्योंकि ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट आपको कोर्ट के आगे बुलाएगी और आपसे पूछेगी कि आपकी सारी दलीलें सुनेंगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि आपकी कहीं भी बातों या दलीलों में जायज है, जायजता है, तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। कई बार ऐसे केसेस में सस्पेंड भी किए जाते हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड भी किए जाते हैं। चले बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी इसीलिए बार बार अपील करते हैं कि कानून के जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अभाव को खत्म करने के मकसद से हम रोजाना मौजूद रहते हैं इसी समय एक नए विषय के साथ। आज जिस विषय के साथ हमें वो बच्चों को गोद लेने संबंधी, उनके भरण पोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों से जुड़ा आज का हमारा विषय है, और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस बच्चे को गोद दिया जाना है या कोई दंपति बच्चा गोद ले रहा है तो बच्चे की सहमति कितनी ज़रूरी होती है? अगर बच्चा सहमति देने लायक है तब उसकी सहमति देखी जाती है। हमारे यहाँ कितने एक ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता है एंड बच्चा अपनी बच्चे से पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, फादर के साथ या मदर के साथ, तो ऐसे में देखा जाता है कि वो ज़्यादा किसके साथ कंफर्टेबल है। सिमिलरली अगर एडॉप्शन लेने के लिए या एडॉप्शन के लिए बच्चे के सामने या गार्जियनशिप के लिए उसका कोई रिलेटिव आता है, कहता है कि हम इसको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो बच्चे से भी उसकी कंसेंट पूछी जाती है। अगर वो उस एज का है, 10-12 साल का है और अपनी कंसेंट दे सकता है, समझ बूझ है उसमें, तो उससे पूछा जाएगा और उसको वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी। चलिए अशोक कुमार जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। अशोक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों से लगातार इसी बात को लेकर अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, और क्या कुछ बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, इसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि अगर बच्चा समझदार है, यानी कि आपने कहा कि 12, 13, 14 साल या 15 साल तक के बच्चों को गोद दिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है, जैसे बिल्कुल दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि 7 साल के बच्चे भी, 6 साल के बच्चे भी, उन्हें भी गोद दिया जाता है, लेकिन उनसे भी पूछा जाता है जिस बच्चे को पहले कभी गोद दिया जा चुका हो उसे दोबारा गोद नहीं दिया जाता, उसे फॉस्टर केयर में ही रखा जाता है। फिर भी ऐसी सिचुएशन आई हैं जब ऐसे बच्चों को भी अडॉप्ट करने के लिए लोग आगे आते हैं, तब कोर्ट से स्पेशल परमिशन ली जाती है कि ऐसे बच्चे को गोद दिया जाए या ना दिया जाए। अगर कोई दंपति, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि बच्चे की स्वीकृति कितनी ज़रूरी होती है, आपने कहा कि अगर बच्चा समझदार है तो उससे उसकी राय ली जाती है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी को गोद देना चाहते हैं तो माता पिता दोनों की रजामंदी ज़रूरी होती है या फिर कोई एक भी अगर राज़ी होता है तो वो बच्चे को गोद दे सकता है? दोनों की रजामंदी ज़रूरी होती है, स्पेशली फादर की ज़रूरी होती है, क्योंकि फादर एक बच्चे का नेचुरल गार्जियन रहता है लॉ के अंतर्गत, फादर नेचुरल गार्जियन है, तो अगर फादर ने अपनी कंसेंट पहले दे दी है तो फिर ऐसे में मदर की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर फादर नहीं है और मदर है तब उसको देना था। चलिए कार्यक्रम के समापन का वक्त है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि अगर गोद लेने के बाद कोई दंपति या अगर कोई अविवाहित, जैसे आपने कहा कि वो भी कानूनन बच्चा गोद ले सकते हैं, गोद लेने के बाद बच्चे की अगर सही ढंग से देखभाल नहीं की जाती है, उन परिस्थितियों में क्या होता है? उन परिस्थितियों में बच्चे को वापस ले लिया जाता है एंड उन दंपतियों के खिलाफ लीगल क्रिमिनल एक्शंस लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की कस्टडी इस ग्राउंड पे ली है कि वो उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करेंगे, एंड अगर वो उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो एनजीओ के जरिए अगर कोई कंप्लेंट आती है या डायरेक्टली कोई कंप्लेंट आती है, किसी रिलेटिव के जरिए कोई कंप्लेंट आती है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट स्कूल से आती है, तो ऐसे में उन पेरेंट्स के खिलाफ नेसेसरी लीगल एक्शंस लिए जाते हैं।
चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महर्विश रैन जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके सवालों के वाजिब जवाब उन तक पहुँचाए। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को खत्म करने के मकसद से रोजाना हम मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।